Hello and welcome to our channel Goyal Classes. If you like the video, then please share it with your friends and subscribe to our channel. So students, today we are going to discuss the last topic of our chapter, that is reactions in solutions. Basically, reactions in solutions का मतलब क्या है? जो भी हमारे laboratories में reactions होते हैं, हमें अभी तक हम सिर्फ उसकी बात कर रहे थे कि जैसे मेरे पास NaCl है. तो NaCl कितना ग्राम है, अभी तक सिर्फ हम वेट की बात कर रहे थे. बट अब अगर हमें बताना है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, सपोज मैंने पानी में नमक घोला हुआ है, पानी में मैंने NaCl घोला, अब मेरे को ये बताना है कि कितना NaCl है पानी के अंदर, या कॉन्सेंट्रेशन बतानी है मेरे को इस सॉल्यूशन की. तो उसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस. देयर आर फोर वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन द एक्वस सॉल्यूशन. वो क्या है अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज मास परसेंट. मास परसेंट का टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर फॉर्मूला चीज हम वही करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही है जो हमने पहले पढ़ा था, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. सपोज वी हैव कि मेरे को मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है. सबसे पहले हमें पता है कि सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है. अब मेरे को उस सॉल्यूशन के अंदर मास परसेंट बताना है सॉल्यूट का. उस सॉल्यूशन के अंदर मेरे को सॉल्यूट का मास परसेंट बताना है, वो हम कैसे निकालेंगे. सिंपल सा फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अब ये बात हमारे ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन बोला है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन बोला है, ठीक है. ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है और इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे मास परसेंट. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.6. हमें क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम सब्सटेंस ए. ए कितना है, 2 ग्राम, 218 ग्राम वाटर. यानी कि सॉल्वेंट क्या है मेरा, सॉल्वेंट है मेरा वाटर, और वो कितने ग्राम्स है, 18 ग्राम्स, ठीक है. ए क्या हो गया, सॉल्यूट. ये हमें पता है जो भी कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है. हमें मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट बताना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. अब बात आती है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. सॉल्यूशन है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूशन कैसे बना, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, दोनों जब मिल गए तो सॉल्यूशन बन गया. तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 2 + 18, दिस मींस 20 ग्राम्स. अब इजी है हमारे लिए मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना. मास ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम्स इनटू 100, दिस गिव्स अस 10%. ठीक, सेकंड क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, वही एक एग्जांपल लेंगे हम अपना कि मेरे पास NaCl है, नमक कॉमन सॉल्ट है, मैंने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया. अब मुझे ये बताना है, अब मुझे रेशियो बतानी है ऑफ मोल्स ऑफ NaCl टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. मेरे को ये बताना है कि NaCl और टोटल NaCl का मोल और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की क्या रेशियो है, या इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो मेरे को कॉन्सेंट्रेशन बतानी है NaCl के सॉल्यूशन की. तो सेकेंड वे क्या है सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, थ्रू मोल फ्रैक्शन. अब मोल फ्रैक्शन में जब भी हमारे पास अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि जिसमें दो चीजें, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्वेंट. तो बाइनरी सॉल्वेंट में सपोज ए प्लस बी गिव्स अस अ सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, ए मेरा सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, ठीक है. सपोज ए NaCl, बी इज वाटर फॉर एग्जाम्पल.
अब मेरे को बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे? मैंने भी क्या कहा, मोल फ्रैक्शन होता है रेशियो ऑफ द दैट थिंग जिसमें हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है विद टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी. यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में मेरा क्या आएगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सिमिलरली अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, अब ये निकालने के हमारे पास फिर से दो वेज है. एक तो डायरेक्टली बाय दिस फॉर्मूला एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. दूसरा तरीका क्या है, अगर मेरे पास एक, अगर मेरा सॉल्यूशन बाइनरी है यानी कि उसमें से दो ही कॉम्पोनेंट्स है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट. अगर मेरा बाइनरी सॉल्यूशन है, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, ओनली फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, इसको हम स्टार करके लिख देते हैं, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के केस में काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू वन. काई क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ओनली इन द केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू वन. दूसरा तरीका क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने का, अगर मेरे को ए का मोल फ्रैक्शन पता है तो वन माइनस काई ए, ठीक है. क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज में है तो हम वो जब सॉल्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तब करेंगे क्वेश्चन. मोलैरिटी, अब मोलैरिटी भी सिंपल क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करनी है मेरे को, तो उसके लिए वी कैन टेक हेल्प ऑफ मोलैरिटी. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ये जरूर हमको ध्यान रखना है कि जो हम वॉल्यूम लेंगे डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है सबसे पहली बात, ये ध्यान रखना है. और दूसरी बात कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हम लेंगे वो हमें लीटर्स में लेनी है, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है. दिस इज अ मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम और इसकी यूनिट क्या होती है, मोलर, ठीक है, कैपिटल एम से इसको शो करते हैं. सपोज मैंने कहा, मैंने लिखा 3m, यानी कि 3m ऑफ NaCl सॉल्यूशन मैंने लिखा सपोज यहाँ पे, यानी कि मेरे NaCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है. डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. एक दूसरा कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या आता है मोलैरिटी के अंदर, कि मैंने कहा सपोज मेरे पास 1m NaOH सॉल्यूशन है और इससे मेरे को क्या बनाना है, मेरे को इससे 0.2m NaOH सॉल्यूशन बनाना है. मैंने क्या कहा, मेरे पास 1m NaOH सॉल्यूशन है, मेरे को इससे 0.2m NaOH सॉल्यूशन बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे हमें ये बताना है, ठीक है. अब इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर ये सिर्फ होता है स्टार्ट करके लिख सकते हैं ओनली फॉर डाइल्यूशन. यानी कि जब ऐसी कोई कंडीशन आ रही होती है कि यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर मोलैरिटी कम हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे होंगे तभी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है ना, क्योंकि मेरा, मैंने ये तो पहले भी कहा नहीं कि मैंने NaOH और ऐड करा है, मैंने सिर्फ मोलैरिटी चेंज कर दी. तो मोलैरिटी कैसे चेंज हो सकती है, बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट टू इट. तो इसलिए मैंने लिखा है ओनली फॉर डाइल्यूशन. डाइल्यूशन के केस में एक फॉर्मूला लगता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2. ये डाइल्यूशन के केस के लिए फॉर्मूला होता है. पहले हम इस फॉर्मूले से देखते हैं फिर हम एक दूसरी अप्रोच भी देखेंगे. अब M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, जो एक यहाँ पे क्या है 1m1. V1 को हमने V1 लिख दिया. बेसिकली हमें इस कंडीशन में बताना है कि हमें कितना लीटर
या कितना ml है, 1 molar NaOH solution चाहिए, कितना लीटर NaOH, ये कितना लीटर ये वाला सॉल्यूशन चाहिए जिससे हम ये वाला सॉल्यूशन बना सके, इसका कितना लीटर चाहिए 0.2 m बनाने के लिए. तो ये हो गई v1 वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन व्हिच इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम. m2 हो गई मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन जो कि आपके लिए 0.2. v2 अब बात आती है v2 की. देखिए 0.2 m को हम कैसे रीड कर सकते हैं, 0.2 by 1 0.2 m NaOH solution का मतलब क्या है कि there are 0.2 moles of NaOH solution, sorry 0.2 m NaOH को हम कैसे read कर सकते हैं कि there are 0.2 moles of NaOH in 1 liter of solution. ये जो basic formula है कि 0.2 moles of NaOH, मैंने क्या कहा 0.2 moles of NaOH in 1 liter of solution. अब हम या तो liter में ले सकते हैं या ml में. Suppose हम ml ले लेते हैं, यहाँ पे 1 liter है कि 1000 ml. V1 निकालना है तो V1 कितना हो गया 0.2 into 1000 यानी कि 200 ml. That means कि मेरे को 200 ml ये वाला solution लेना है और उसको dilute करना है 1000 ml तक. ठीक है, मैंने क्या कहा मेरे को 200 ml ये वाला solution चाहिए, इसके अंदर पानी डालना है जब तक उसकी concentration 1000 नहीं होती. जब उसकी concentration finally 1000 ml हो जाएगी तो वो कितना हो जाएगा 0.2 m बन जाएगा. बस ये बेसिक सी बात थी. इन शॉर्ट मेरे को ये बताना था कि इस वाले सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम चाहिए, मेरे को कितना लीटर सॉल्यूशन चाहिए ये वाला ओरिजिनल. दूसरा तरीका क्या है इसी चीज को सॉल्व करने का, दूसरा तरीका क्या है इसको हम कैसे परसीव कर सकते हैं कि 1 mole NaOH है 1 liter सॉल्यूशन मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मान लिख सकते 1 mole आने हो जाए 1 liter सॉल्यूशन में. इसको मैंने कैसे रीड किया था, इसको मैंने कैसे रीड किया था 0.2 mole NaOH इन 1 liter सॉल्यूशन, इसको मैंने ऐसे रीड किया था. अब मेरे को बोल रहे हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन से मेरे को वाला सॉल्यूशन बनाना है, तो हम इस पे आते हैं 1 mole NaOH को 1 liter सॉल्यूशन चाहिए. ठीक है, तो मेरे को 0.2 mole NaOH लाना है, यूनिटी में मैंने 1 mole NaOH को 1 लीटर सॉल्यूशन चाहिए तो 0.2 mole को कितना चाहिए 0.2 liter. सिंपल वही मेरा आंसर पहले आया था m1v1 = m2v2 से. 0.2 liter का मतलब क्या हो गया 200 ml. ठीक है, यानी मेरे को 0.2 moles NaOH से 1 liter सॉल्यूशन बनाना है तो मेरे को इस वाले सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम चाहिए 200 ml. यानी कि अगर मैं 200 ml ओरिजिनल सॉल्यूशन लूं और उसमें 800 ml पानी मिला दूं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी 0.2 m. ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, हमने NaOH को अमाउंट को अल्टर नहीं करा, हमने ना NaOH डाला है ना निकाला है, हमने NaOH ऐड नहीं करा है, हमने सिर्फ पानी ऐड करा है, ये 800 ml वाटर ऐड करा है, डाइल्यूट कर दिया जिससे कॉन्सेंट्रेशन कम हो है मोलैलिटी. ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज ऑल्सो अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन. मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है मोलैरिटी जैसा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने ऊपर नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो चेंज हो गया, और डिनोमिनेटर में इस बार सॉल्यूशन नहीं है, इस बार सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन और दैट इन केजी लेना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसकी यूनिट क्या होती है मोलर. ठीक है, अब वही सेम चीज की अगर मैंने लिखा 1 m NaCl सॉल्यूशन, मैंने लिखा 1 m NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है 1 mole NaCl इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, 1 mole NaCl इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, इसका मतलब है
ये 1 एम NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है 1 मोल NaCl इन 1 kg सॉल्वेंट. सिंपल आपको इस फॉर्मूले से रीड करना है जैसे हमने सेम जैसे हमने मोलैरिटी में करा था 1.7 ऑन पेज नंबर 20. क्या कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम टू इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन. तो हम क्या है हमें क्या दिया हुआ है मास ऑफ NaOH दिया हुआ है. मास ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है mass of NaOH is given as 4 grams. Volume of solution 250 ml. क्या बताना है मोलैरिटी. सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमको. फॉर्मूला क्या था सॉल्यूट को लेट्स मैंने B से डिनोट करा यानी कि NaOH मोल्स ऑफ NaOH बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इसको हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 250 अपॉन 1000 लीटर. ठीक है पहले मैम मेरे को मोल्स ऑफ NaOH निकालना है कितना होगा 4 अपॉन गिवन वेट बाय मोलर मास. मोलर मास कितना होता है NaOH का 23, 24 प्लस 16 40 यानी कि आ गया 1/10. अब ये और ये डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आंसर है. तो मोलैरिटी क्या हो गई मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज 1/10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 250 अपॉन 1000 कितना हो गया 1/10 इंटू 250 और डिनोमिनेटर में आ गया 1000. तो 0 से 0 0 से 0 5 2 10 5 2 25 0.4 मोलर. मोलर आंसर चेक कर लेते हैं हाँ 0.4 है. ठीक है अब देखिए ज्यादातर जगहों पे आपको ऐसे लिखा मिलता है वैसे तो 0.4 एम. मोलर जो है इसकी यूनिट वो बहुत ही कम यूज होती है. मोलर की जगह पे हम क्या यूज करते हैं मोल पर लीटर. मोलर की जगह पे क्या यूज करते हैं मोल पर लीटर. इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर. मोलर ज्यादातर यूज नहीं करता है कोई भी. इधर दे यूज कैपिटल एम और मोल पर लीटर. ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1.8 एग्जाम्पल पढ़ेंगे. क्या कह रहा है डेंसिटी ऑफ 3m थ्री कैपिटल m लिखा है कैपिटल m मतलब मोलैरिटी दी हुई 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर. कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. समझते हैं क्या दिया हुआ है मोलैरिटी कितनी दी हुई है 3m NaCl सॉल्यूशन है. ठीक है मोलैरिटी 3m होने का क्या मतलब है 3m मोलैरिटी क्या बताया मैंने NB बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोलैरिटी 3m है यानी कि 3 मोल्स NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन यही मतलब हो गया इसका 3 मोल्स NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है मेरे को कितनी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर. ठीक है तो सबसे पहले हम हमें पता लग गया कि सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं 3. तो मैंने निकाल लिया मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट हम क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है. मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. अभी बताएंगे कि हम मास क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं. मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं 3 इंटू मोलर मास कितना हो गया NaCl का 23 और 35.5 यानी कि 58.5 कितना आ गया 175.5 ग्राम्स यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट टोटल कितना है 175.5 ग्राम्स. अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है 1 लीटर. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर यानी कि 1000 ml. डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है 1.25
ग्राम पर मिलीलीटर, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हमें पता है, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, 1000 इनटू 1.25 यानी कि 1250 ग्राम्स। अब मैंने मास ऑफ सॉल्यूट की निकाला था, अब हम आपको यहां पे बताएंगे टोटल हमें मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास और कोई तरीका था निकालने का, कोई तरीका नहीं था, यहां से निकालेंगे हम मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बन के मिलके, तो यहां पे लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सॉल्यूट, मास सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो वो कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1250 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 175.5 ग्राम्स, कितना आ गया सबट्रैक्टेड 1074.5 ग्राम्स। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे को क्या निकालनी थी, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट। सपोज मेरा सॉल्यूट बी से डिनोट करा है और सॉल्वेंट ए से डिनोट करा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे, 3 मोल्स है इसीलिए लिया ना, 3 बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये ग्राम्स में है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 ऊपर चला गया बाय 1074, आंसर आपको कुछ आएगा 2.7 समथिंग, तो यानी कि आंसर में आता है 2.7 मोलर। ठीक है, वैसे आपको आंसर, यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट द आंसर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर को एटलीस्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स तक लिखें। ऑल फॉर दिस सेशन एंड thank you for watching the video, and if you like the video then please share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you.